हेलो दोस्तों, आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं किसी भी लोगो पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर आपको कलर फिल करना है। क्योंकि जनरली फाइनल कट प्रो एक्स में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में हम किसी भी चीज़ पे कलर फिल कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कलर ओवरले करके हम फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फिल्टर फाइनल कट प्रो एक्स में नहीं है। बट अभी एक नया फ्री प्लगइन, थर्ड पार्टी प्लगइन अवेलेबल है, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है कहाँ से, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सपोज़ कीजिए ये हमारे क्लिप है, एक इंस्टाग्राम का लोगो है, एक ये फेसबुक का लोगो है और एक ये स्पाइडरमैन का लोगो है। तो मैं कुछ इसको कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा सिनेमैटिका का कलर पर्पल है, तो पर्पल अगर मुझे फेसबुक पे पर्पल चाहिए तो मैं किस तरीके से पर्पल कर सकता हूँ। जनरली मैं क्या करूँगा, फोटोशॉप में जाऊँगा, कलर ओवरले दूंगा, वहाँ पे सेव करके फिर लेकर आऊँगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट पर दिखाऊँगा। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड ये जो फ्री कलर फिल इफेक्ट वाला प्लगइन है ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ब्रैड वेस्ट मीडिया की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, कोई आपको पैसा नहीं देना, आपको बस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है एंड इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ, जब आप लॉग इन कर लोगे आपकी ईमेल आईडी से तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है ये वाला हमारा zip फाइल। तो zip फाइल को अनजिप करेंगे तो ये हमारा DMG आ जाता है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके इंस्टॉल करना, डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई वायरस नहीं आएगा, कोई मालवेयर नहीं आएगा, आप बिंदास इसको कर सकते हैं। तो अब इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इंस्टाग्राम का। तो जब आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मैक के अंदर तो यहाँ पे BW कलर फिल के नाम से ये इफेक्ट आ जाता है कलर फिल। इसको मैं जस्ट ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा, ये देखिए वाइट हो गया एकदम से। अब जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट में। सो ये हमारा जो कलर फिल का प्लगइन है कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको क्या चाहिए, आपको कलर फिल करना है या आपको ग्रेडियंट फिल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली नॉर्मल एक सिंगल कलर ठीक ठाक सा लगता है बट ग्रेडियंट का एक इम्पैक्ट अच्छा आता है। बट इसमें ग्रेडियंट में भी आप दो ही कलर यूज़ कर सकते हैं, दो से ऊपर नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो पहले कलर का एग्जांपल लेते हैं। तो कलर लिया मैंने, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ से पिंकिश, ये डार्क पिंक सा पिंकिश पर्पलिश टाइप ऑफ कलर जैसे सिनेमैटिका का है कुछ इस तरीके से मैं चुनूंगा इसको एंड ये मैं कर दूंगा ओके। सो ये हो गया जस्ट कलर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसको अगर मुझे स्केल डाउन करना है थोड़ा सा और यहाँ पर राइट में लिखना है स्लैश सिनेमैटिका ऑनलाइन तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब समझते हैं ग्रेडियंट का कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जाके कलर में जाके मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा तो ये ग्रेडियंट आ गया। यहाँ पे कलर्स हैं आपके, ऊपर है वाइट नीचे है ब्लैक, तो वाइट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पिंकिश थोड़ा सा लाइट पिंक हल्का सा लिया एंड जो दूसरा कलर है यहाँ मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्किश कलर यूज़ करता हूँ। ये दो जो आप मार्क्स देख रहे हैं इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं कलर्स को। ये देखिए डार्क वाला पोर्शन, ये वाला डार्क वाले पोर्शन को एडजस्ट करने के लिए ये वाला आपका मार्कर है और लाइट वाले कलर को एडजस्ट करने के लिए ये वाला मार्कर है। अच्छा मिड पॉइंट क्या होगा वो आप तय कर सकते हैं। आप चाहते हैं 50-50% रहें या आप चाहते हैं 10-90% रहे, मतलब कि 10% उसका डार्क का पोर्शन रहे 90% लाइट का रहे या वाइस वर्सा। सो वो आप मिडल सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से मिडल सिलेक्ट करते हैं। बट बेस्ट ये रहेगा कि 50% ही आप रखिए और इन दो मार्कर्स के थ्रू आप कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसमें थोड़ा रेड डालता हूँ ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेड आ गया, यहाँ पे पिंक है, तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम फेसबुक का। तो फेसबुक का लोगो है, यहाँ पे हमने कलर फिल डाला, अगेन यहाँ पे मैंने इसका ग्रेडियंट लिया, मुझे कलर नॉर्मल नहीं चाहिए,
अब ये भी मैं चाहता हूँ थोड़ा पिंकिश कलर रहे, एंड जो इसका सेकंड कलर है वो भी थोड़ा डार्क पिंक कुछ इस तरीके से। एंड ये जो मर्ज हो रहा है वो अच्छे से मर्ज नहीं हो रहा है, तो अच्छे से मर्ज करने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सो नीचे क्रिएटेड बाई ब्रैड बेस्ट मीडिया, सो ब्रैड बेस्ट मीडिया ने ये प्लगइन बहुत बढ़िया बनाया है। आई एम वेरी ग्लैड दे हैव मेड दिस, बिकॉज ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम मेरी ख़त्म कर देता है। अगर मिक्स, अब यहाँ पे जो मिक्स है इसको अगर मैं कम करता हूँ तो जो हमारा पिछला कलर था उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा, तो बट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमको। उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको, बाई चांस आपको लगे कलर कुछ ज़्यादा गॉडी लग रहा है तो आप मिक्स से थोड़ा यहाँ पे कम कर सकते हैं ताकि गॉडीनेस थोड़ी कम करें। लास्ट हमारे इस लोगो पे आते हैं, यहाँ पे अगेन मैं कलर फिल डालता हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ रेड कलर का कुछ रहे, डार्क रेड कलर का, तो ये बन गया, ये रेड नहीं है, ये रेड है, कुछ ऐसा डार्किश कलर मैंने लिया। ऑलराइट, और कुछ मुझे करना नहीं है, मैं बस स्केल डाउन करके अगर इसको कहीं पे भी लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। कलर फिल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी लोगो पे, किसी भी चीज़ पे, बट ये ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए लोगो कलरफुल है तो अगर आप कलर या ग्रेडियंट ऐड करते हैं तो जो उसका पुराना कलर है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, सी यू।